और जो कि आपको पता है कि जो कश्मीर में आजकल भ्रष्टाचार एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जो हम यहाँ पे चार बंदे थे लगभग, मैं और मेरे साथ आमिर थे और मुदस्सिर था और महराजीन मलिक, हम चार यहाँ से लगभग 10 सालों से टूर्नामेंट चलाते आ रहे थे। ये ग्राउंड ठीक था लेकिन छोटा था। फिर हमने सबसे पहले पुलिस के साथ ताउन किया और पुलिस ने हमें टूर्नामेंट यहाँ पे खोल के दिया। उन दिनों यहाँ पे SHO साहब थे, इनाम साहब, तो उन्होंने हमें बहुत सारा मदद किया इसमें। और तब जाके सपोर्ट्स काउंसिल ने हमें पहली फंड यहाँ पे जो थी वो थी लगभग 3 लाख, और उसमें काम किया था यहाँ जो नज़दीक में एलगरीपोरा का एक ठेकेदार है, उसका नाम है कैसर पियर, और उसने बहुत अच्छा काम किया था उन दिनों, बहुत अच्छा काम, और मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ही उसने उन दिनों किया था उस बजट में। और फिर धीरे धीरे हम यहाँ नेताओं के पास भी गए, बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल भी हम गए जाते रहे, और उन्होंने इसको कन्वर्ट किया स्टेडियम में। और रिसेंटली आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पे इसके लिए जो पैकेज गवर्नमेंट ने हमें दिया, दैट 1 करोड़ 50 लाख। और जब काम उन्होंने स्टार्ट किया और उससे हमने खुल के बात की कि जो यहाँ पे ये लैंड है ये बिल्कुल गवर्नमेंट का है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी तरफ से। और इतना भी हमने किया जो आप ये देख रहे हो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा ठेकेदार साहब को हम आपको खुद काम पे आएंगे, अगर किसी कोई आपसे 500 दिन का लेता है हम 400 आपसे लेंगे, लेकिन ये हमें स्टेडियम अच्छा करके देना। तो उसने भी उस वक्त एग्री किया हमारे साथ, कोई नहीं मैं आपका ये काम जरूर अच्छे से करूँगा। और उसके बाद लेकिन हाँ, पहले काम कुछ महीनों के लिए ठीक चलता रहा, 1-2 महीने उसने काम किया, लेकिन जो ही 1-2 महीने हो गए तो काम ठप रह गया। और तब से लेके आज तक ना यहाँ पे कोई सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ है, ना चेकिंग हुई यहाँ पे कि ग्राउंड को हुआ क्या, क्या काम अच्छे तरीके से हुआ, कुछ भी नहीं। फिर हमने कॉन्टैक्ट रिसेंटली किया ठेकेदार साहब से कि मसला क्या है, तो उन्होंने जो वहाँ से हमें बता दिया, एक ही उन्होंने प्रॉब्लम बता दी कि जो फंड से मुझे रिलीज नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर फंड से रिलीज नहीं है लेकिन सपोर्ट्स काउंसिल का हक बनता था यहाँ पे आने के लिए, यहाँ जो काम है अगर आप देखोगे उतना अच्छा हुआ ही नहीं है, कम से कम उनको ये हक बनता था कि वो यहाँ पे देख, जो एम्प्लॉयज होते हैं इनके वो यहाँ पे चेक करते कि जो अगर आप देखोगे जो मिट्टी यहाँ पे जो ये ग्राउंड था यहाँ पे इसकी एक क्वालिटी थी, अगर 5 दिन भी बारिश पड़ती लेकिन आधे घंटे के लिए रुक जाती तो ये खुद ब खुद सूख जाता था। लेकिन आजकल ये मिट्टी उन्होंने यहाँ पे लगा दी कि अगर 2 मिनट बारिश पड़ जाएगी इंसान इसमें फंस जाता है, बिल्कुल ये ग्राउंड नाकारा है इस टाइम पे। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम अब हो रही है, ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो रही थी, जो यहाँ पे हम ये टूर्नामेंट्स खोल रहे थे यहाँ हर कोई इन्वॉल्व रहता था इसके साथ। लेकिन अगर आप गाँव में जाओगे यहाँ पे, आप पूछोगे गाँव वालों से भी, जो भी छोटे बच्चे हो, चाहे मुझे लगता है कि उन फर्स्ट प्राइमरी में भी जो आप पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहाँ पे इतनी ड्रग एडिक्शन हो गई है कि शाम के टाइम जो भी मगरिब की अजान होती है बहन और बेटियाँ जो हमारी उनको बाहर निकाल नहीं पाते हो, क्योंकि अब हर कोई ड्रग एडिक्ट हो गया यहाँ पे, शराब पी। आप क्या चाहते हो गवर्नर इंतजामिया से? हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा ही करते हैं हम।